बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं जुमे वाले दिन आया था और कल व्लॉग नहीं बना सका था, बस कुछ मसरूफियात थी, क्यों काफ़ी दिनों के बाद आया था तो कुछ सेटिंग वगैरह थी अपनी। तो आज इतवार का दिन है और आज का व्लॉग बना रहा हूँ। तो सुबह का टाइम है, तकरीबन अभी 7 ही बजे हैं और साढ़े सात मेरी क्लास का भी टाइम है। मैंने उसकी भी तैयारी की हुई है, बस अभी निकलना है। पहले थोड़ा सा देखते हैं, नाश्ता तैयार है तो नाश्ता करके जाएंगे, वगरना फिर बाहर से ही देखेंगे। काफ़ी दिन के बाद आया था, तकरीबन 1 माह मैंने छुट्टी की है। तो एक डर भी था जहन में काफ़ी दिनों से कि पता नहीं क्लास में क्या बनेगा, क्यों 1 माह के बाद जब बंदा क्लास में दाखिल होता है तो काफ़ी दिन में टेंशन होती है। छुट्टी तो मैंने ली हुई थी, रुख्सत शुरू से ही ले रहा था, दरमियानी से मैं कॉल भी कर रहा था तो बताता रहता था कि तबीयत कैसी है और कब तक आना होगा, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी कुछ डर था मेरे जहन में कि क्या बनेगा, मगर अल्लाह के फजल करम से कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों सबको पता था और मेरी शक्ल भी बता रही थी कि तबीयत कैसी रही है मेरी। तो बस अभी नीचे चलते हैं, क्यों मोबाइल मैं ऊपर ही रखूँगा, मोबाइल तो मैं पहले भी नहीं साथ लेके जाता था, तो आज भी इसको इधर रख के जाएंगे। दोबारा मुलाकात होगी 12 बजे, 12 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद दोबारा आएंगे फिर मुलाकात करेंगे। ये देखें, इस जोड़े ने बच्चा निकाला हुआ है दो, ये देखें अभी तो छोटे छोटे से हैं। और मैं अभी वापस आया हूँ, 12 बजे हैं और नींद काफ़ी आ रही है और दिन भी माशाल्लाह अच्छा गुजरा है हमारा, क्लास में काफ़ी मज़े से गुजरा है। तो अभी इसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा इसको इधर ही चार्जिंग पे लगाते हैं और खुद नीचे जाके आराम करते हैं, क्यों कल भी नहीं मैं सोया था और कल भी आखिरी घंटे में मुझे ऐसे नींद आ रही थी। और वो जो नींद आती है वो बहुत मज़े की होती है, उस्ताद सबक पढ़ा रहे थे और मैं तकरीबन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी सबक की, नींद की वजह से बस ऊँग सी ऐसी आ रही थी, तो अपने आप को बर्दाश्त करके बैठा हुआ था, क्यों सामने गौर भी करना पड़ता है, क्यों अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से मैंने आज सोचा है कि अभी से थोड़ा सा आराम करते हैं, क्यों उस वक़्त जो नींद आती है ना वो नाकाबले बर्दाश्त होती है, तो इस टाइम सो लें तो कुछ बेहतर हो जाता है। तो मेरे दिन में अभी यही है कि थोड़ा सा आराम करेंगे, बस ये मोबाइल को इधर चार्जिंग पे लगाते हैं। मैं अभी आया हूँ, तकरीबन असर का टाइम हो रहा है, तो अभी क्लास से छुट्टी हुई तो सीधा घर आया हूँ, दुकान से आजकल छुट्टी कर रहा हूँ कि मूड नहीं कर रहा जाने को, तो जब करेगा फिर चले जाएंगे, अभी तो फिलहाल फिर की उल्टी है। किसका है ये, किसका है, नहीं कौन है? हाँ जी नाना जी, थर्मामीटर है का? ये दो आप भी नंगे पाँव किधर खड़ी है, तो किधर खड़ी है, ये मुझे दे 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 दे, मैं पीऊँगा, दे दे, नहीं देना, दे 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 दे, मैं लूँगा, पापा को बता क्या, पापा मेरा फिल्टर गया, मैं लूँगा, मैं तो नहीं पीती तो है नहीं है तू, हैं? ये कौन है, बिल्ला कौन है, पढ़ाई करो तेरी। अभी वो नाना पो के पाँव दबा रहा था
उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी इसीलिए। तो लगा ना सर, टिक के नहीं बैठती तुम। किधर लगी चोट हैं, किधर लगी? क्या है, नीचे छुपा लिया भाई? निकाल इसको, मत देगी वो। नहीं, मार के छोड़ेगी उसको। आप मुकाबले वाले यार, ओए ओए ये बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं ऊपर के नीचे के सारे, तो इस वजह से हलचल सी हो रही है। तो मामू ये शूटिंग कर रहे थे जो पहले मैंने बनाई है, वो नात जो है मामू का अपना चैनल है, वो उस पर नाते वगैरह सेंड करते हैं, तो वो अपनी नात की जो थी वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे अंदर। मैं तकरीबन काफ़ी देर से ऊपर बैठा हूँ, क्यों मैं ऊपर आया था तो वो मोबाइल मैंने दूसरा उठाया था ये वाला, तो इस पर मेरा वो चैनल मैंने इस पर ऑन किया हुआ है अपना, क्यों पहले अकेला लैपटॉप पे था, फिर मैंने क्यों लैपटॉप को बार बार ऑन करना काफ़ी मुश्किल था, फिर इस मोबाइल पे मैंने ऑन किया हुआ है अपना चैनल, तो क्यों इस पर मैं ऑन नहीं कर सकता, इस पर कुछ मेरी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इस पर चैनल को तो बिल्कुल भी ऑन नहीं करता हूँ। तो वो चैनल पे कुछ व्लॉग चैनल मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनकी को इस टाइम है ना वीडियो आती है, तो मैं फिर उनका कमेंट देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट बनाकर तो वो देता हूँ, उससे चैनल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी रिस्पांस मिलता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मैंने तकरीबन डेढ़ दो हफ्ते से ये काम शुरू किया हुआ है, तो कुछ ताल्लुकात बढ़ते हैं, दोस्त आते हैं अंदर, वो सब फॉर सब वाला हिसाब नहीं मैं करता हूँ, सिर्फ अच्छा सा कमेंट करें जो दूसरों को पढ़ के कुछ सबक भी मिले और खुशी भी महसूस हो, क्यों क्यों सब और मुझे तकरीबन YouTube के चैनल में तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, मैंने इसमें से काफ़ी सबक हासिल किए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अब आगे कुछ मैंने अपने आप को इस लाइन पे जो YouTube का ये क्या कहते हैं उसको, YouTube की जो पॉलिसी वगैरह है उसके तहत इस चैनल को मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी गलती की है, ये तीन चार साल में काफ़ी मैंने 4 चैनल थे मेरे जो मैंने तकरीबन यही गलतियाँ वगैरह कर करके उसको ख़राब किया था, लेकिन इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहा हूँ। और दूसरी बात, कुछ दोस्त होते हैं जो रابطہ करना चाहते हैं, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, और शुरू में वीडियो के शुरू में भी मैं इसको लगा देता हूँ, तो जो मेरे दोस्त रابطہ करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर ओरिजिनल दूंगा। तो बस अभी मगरिब के टाइम हो रहा है, मगरिब के अजानें हो चुकी हैं, बस मैंने अभी निकलना है, वजू वगैरह करना है और क्लास का भी टाइम है, तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।